हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जेपी यूनिवर्सिटी अनूप शहर की फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा 2024-25 ईयर की, यानी लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है सभी कोर्सेज की। जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे बीटेक हो गया उसके सभी ब्रांचेस की बात करेंगे, या फिर बीबीए बीकॉम बीएससी हो गया, बीबीए बीए बीसीए एमसीए एमबीए, जितने भी कोर्सेज हैं जेपी यूनिवर्सिटी के, जो आपने नोएडा में नाम सुना है वो इसी से एफिलिएटेड है। सो मैं मेन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जो कि अनूप शहर में है, वैसे तीन जगह और है। इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपकी फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा कितनी लगने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक ऑब्वियसली 4 साल का है, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ट्यूशन फीस देख सकते हो आपकी 1 साल की 1 लाख लगेगी चारों साल में, यानी कि 4 लाख आपकी लगेगी ट्यूशन फीस। डेवलपमेंट फीस देख सकते हो एवरी ईयर 55,000 लगेगी, और जेवाईसी फी आप देख सकते हो 1,000 लगेगी। तो ये तो हो जाएगा टोटल फिक्स फीस 1,56,000 सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में, और फर्स्ट ईयर में 10,000 एक्स्ट्रा जो है वो कॉशन मनी लगता है, तो 1,66,000 एक साल की है। और ये किसी भी प्राइवेट कॉलेज में इतनी फीस होती है, इवन ये एक अफोर्डेबल है, एक इतना भी अफोर्डेबल नहीं है जैसे कि आप जेएमआई तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है उसमें तो, बट ओवरऑल प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम कंपेयर करें तो काफी सही है, ये इतना हाई या एक्सपेंसिव नहीं है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें बीबीए बीकॉम और बीएससी की, तो इनकी फीस सेम देखने के लिए मिलती है। यहां पर देख सकते हो अब तो 4 साल का हो गया है, पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर। ट्यूशन फीस इनकी बहुत कम है, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 2,000 हर साल आपकी बढ़ रही है। डेवलपमेंट फीस 15,000 यहां पर फिक्स्ड है, यहां पर देखो 2 साल के लिए, फिर थर्ड ईयर में 19,000, फिर 23,000 है, यहां पर 1,000 फिक्स है जेवाईसी फीस, कॉशन मनी 7,500। तो ये बीटेक के कंपैरिजन में तो काफी कम फीस यहां पर देखने के लिए मिलता है, 33,500 फर्स्ट ईयर, फिर 28,000, 34,000 एंड 40,000 आपकी पर ईयर की है, जो कि आप ऐड कर सकते हो 4 साल में कितना लगेगा। एंड यहाँ पर नीचे देख सकते हो वन टाइम डिपोजिशन एट अ टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिफंडेबल, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो ये सब रिफंडेबल होता है। जब भी आप लीव करोगे यानी कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, तो जो वन टाइम डिपोजिशन है वो रिफंडेबल होता है। बीबीए की बात करें यहाँ पर, तो इनका अलग है बीकॉम से, बीएससी और बीएसए, तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी 4 साल का हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 30,000 यहाँ पर ओवरऑल देख लो, 59,000, फिर 59, फिर 69 एंड 79। तो ओवरऑल अगर हम अदर प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इतना मतलब ठीक है, एवरेज इतना होता ही है। सो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बीसीए की बात करें, जो कि इस टाइम काफी ज्यादा डिमांड में है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर देख सकते हो 45, ट्यूशन फीस तो यार देखो आपको पूरा मिलाकर देना होता है, तो टोटल फीस फर्स्ट ईयर में 76,000 है, सेकंड ईयर में 66, फिर देन 66, देन 66, तो ये यहाँ पर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपकी फिक्स हो जाएगी। अब जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देखो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप जानते हो, सॉरी कंप्यूटर है ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर दो ब्रांचेस में यहाँ पर डिप्लोमा देखने के लिए मिलता है। ये तो 3 साल का ही होगा, जो कि आप 10th के बाद भी कर सकते हो, 12 के बाद भी कर सकते हो। इसकी ट्यूशन फीस तो 18 18 18 है, दोनों ब्रांचेस मिला के। ओवरऑल अगर हम बात करें टोटल फीस फर्स्ट ईयर की 37,000 है, सेकंड ईयर 29,500 एंड थर्ड ईयर भी 29,500 देखने के लिए मिलता है। सो नाउ यहां पर एमबीए की बात करते हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स होता है। टोटल यहां पर देख लो फर्स्ट ईयर की टोटल ट्यूशन फीस जो है 80,000 है, सेकंड ईयर में भी ट्यूशन फीस 80,000 है, डेवलपमेंट फीस 40 41,000, ये जेवाईसी फीस, कॉशन मनी देख सकते हो जो कि रिफंडेबल होता है, और टोटल फीस 1,31,000 फर्स्ट ईयर की है और 1,21,000 सेकंड ईयर की है। अब नेक्स्ट यहां पर एमसीए की फीस देख लेते हैं, ये भी काफी अच्छा एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। 50,000 यहां पर ट्यूशन फीस, 50 ट्यूशन फर्स्ट सेकंड दोनों साल में, यहां पर 2 साल की एमसीए है, जस्ट लाइक 2 ईयर्स ऑफ एमबीए, कहीं कहीं किसी कॉलेज में 3 साल की एमसीए देखने के लिए मिलती है, इसीलिए बता रहा हूं मैं 2 साल की है यहां पर। 91,000 टोटल आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है और 81,000 आपकी सेकंड ईयर की एमसीए की फीस देखने के लिए मिलती है। अब यहां पर बात कर लेते हैं हॉस्टल चार्जेस की, जिसके अंदर फूड और लॉन्ड्री दोनों इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो नॉन एसी रूम्स की अगर हम बात करें ट्रिपल शेयरिंग, तो 75,000 एक साल का है, और डबल शेयरिंग में 1 लाख एक साल का है। एसी रूम की बात करें 90,000 ट्रिपल शेयरिंग पे है, और डबल शेयरिंग पे 1,20,000 है, इस बात का ध्यान देना है। तो ये हॉस्टल फीस है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, और एक चीज और बता दूं, इस कॉलेज में अप्लाई करने की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप वहां से जाकर लिंक से अप्लाई कर सकते हो इस कॉलेज में। और कुछ भी पूछना है बताना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ।